ये देखिए कितनी ज्यादा बदबू यहाँ पर है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इसी में जो झूठा खाना है, जो गंदगी है, वो गाय खा रही है, सांड खा रहे हैं। गाय जिसे माता कहा गया है, जिसके अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, आज वो गाय यहाँ पर देखिए क्या खा रही है, ये गंद खा रही है, ये गंदगी खा रही है। और जब इन गायों की मौत हो जाती है तो हिंदू समाज के कुछ लोग लगातार यहाँ पर गौशाला वाले प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, पर गायों की जब ये स्थिति होती है तो कोई देखता नहीं। एमसीडी के जो कॉम्पैक्टर है उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बाहर तक कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी रहती है। दिल्ली को अगर भारत का दिल कहा जाता है तो भारत के दिल में अब बदबू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। वो वादे दिल्ली को चमकाने के, वो वादे दिल्ली को सुंदर बनाने के, वो वादे जिसमें दिल्ली की सड़कें लंदन और पेरिस जैसी थी, वो वादे जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली चमचमाएंगी, पर आज वो वादे खत्म होते नजर आ रहे हैं। आज वो वादे झूठे नजर आ रहे हैं, आज वो वादे धोखे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर ये कंपैक्टर के हालात में आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से गाय, सांड और ये बछड़े आपको यहां नजर दिखेंगे, कूड़े ये खा रहे हैं, पशु बीमार होगा इससे। सबसे बड़ी बात, कॉम्पैक्टर उस तरफ आप देखेंगे पर कॉम्पैक्टर की गंदगी पूरे रोड तक आई हुई, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कबाड़ी जो है वो यहाँ से ऐसे अपना धंधा, उनका फल फूल रहा है, यहाँ से कबाड़ा बिन कर ले जाते हैं। और सही भी है, जो कबाड़ा सड़कों पर पड़ा है उन्हें कम से कम जब प्रशासन नहीं उठा सकता तो कबाड़ी तो उठा ही है। और ये देखिए आप पूरे के पूरे रोड पर, ये देखिए कितनी ज़्यादा बदबू यहाँ पर है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। और देखिए इतना ज़्यादा कूड़ा पूरी की पूरी सड़क पर, और इसी में जो झूठा खाना है, जो गंदगी है, वो गाय खा रही है, सांड खा रहे हैं। लगातार कुछ लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, तो आज गाय जिसे माता कहा गया है, जिसके अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, आज वो गाय यहाँ पर देखिए क्या खा रही है, ये गंद खा रही है, ये गंदगी खा रही है। इससे आप सोचिए गौ वंश और गाय जो यहाँ पर है उसके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। और जब इन गायों की मौत हो जाती है तो हिंदू समाज के कुछ लोग लगातार यहाँ पर गौशाला वाले प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, पर गायों की जब ये स्थिति होती है तो कोई देखता नहीं है। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से सरकार की नाक के नीचे पशुओं का कोई सम्मान नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि एमसीडी के जो कॉम्पैक्टर हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बाहर तक कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी रहती है, हालात एकदम खस्ता रहते हैं, कोई भी इन हालातों को सुधारने वाला नहीं है, प्रशासन कोई बात नहीं सुनता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एमसीडी में भी आ चुके हैं, दिल्ली की मेयर हैं शैली ओब्रॉय, जहां मैं खड़ा हूं ये रोहिणी का इलाका पड़ता है, रोहिणी सेक्टर 22, और यहां पर सड़कों के हालात इतने ज़्यादा दयनीय हो चुके हैं कि आज इन्हें सुधारने वाला कोई भी नहीं है। चुनावी वक्त थे, बड़े बड़े वादे थे, नेताओं ने कहा था दिल्ली को चमकाया जाएगा, पर आज वो वादे किस तरीके से खोखले नजर आए, वादे किस तरीके से झूठे नजर आए, वो वादे किस तरीके से धांधलेबाजी में डूबते हुए नजर आए, वो आपको इन तस्वीरों से, मैं आपको आज साफ रूप से ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि दिल्ली जो है वो दिल्ली अब दिलवालों की नहीं रही, दिलवालों की दिल्ली अब साफ सुथरी नहीं रही। दिल्ली को अगर भारत का दिल कहा जाता है तो भारत के दिल में अब बदबू है एमसीडी की वजह से। निकम्मी हरकत कर रही है एमसीडी, दिखाइए यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जाता है, हालात बेहद गंदे हालात। आज आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम लगातार आवाज़ उठाते हैं, हम लगातार आपको खबरें दिखाते हैं, हम लगातार आपसे कहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, इस वीडियो को दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, असली दिल्ली की सूरत दिखाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। पर आखिर ऐसे में कैसे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री होकर, उनका अपना मेयर होकर वो दिल्ली को सुंदर नहीं बना पा रहे। पूरी की पूरी दिल्ली इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, हालात इतने ज़्यादा दयनीय हो चुके हैं, इतने ज़्यादा चिंताजनक हालात हो चुके हैं, उन्हें नहीं सुधार पा रहे हैं, तो आखिर दिल्ली की सूरत कैसे सुधरेगी। आखिर जब दिल्ली में इस तरीके से कूड़ा है, पशु जो हैं वो लगातार कूड़ा खाते हैं,
गंदगी खाते हैं, गाय जो यहाँ पर है गौवंश है वो यहाँ पर कूड़ा खाते हैं, कबाड़ा खाते हैं, तो आखिर कैसे दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो सुधरी? सवाल बहुत सारे मैं इस वीडियो में छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब आप कॉमेंट कर दीजिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें झलको दिल्ली।